अरे राजा जी के दिलवा तू जा किना। Hey guys, good morning. आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक ही होंगे। अभी देख सकते हैं कि अभी हम सोकर उठे हैं, अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय बनाया है, आप लोग को पीना है तो आप लोग आ जाइए हमारे घर पी लीजिए। अभी चाय हम अपने मम्मी और पापा जी के लिए लेके जा रहे हैं नीचे, वो लोग अभी पियेंगे चाय को, गर्मा गर्म चाय। मॉर्निंग में चाय पीने से मूड फ्रेश हो जाता है। फिर मम्मी ने चाय पिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ये मेरी छोटी परी है, आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग बोल रही है। मेरी परी है, बोलो आप लोग सब, आप सब कैसे हो? सकते हैं कि परी को चिप्स चाहिए, और परी को चिप्स लेने के लिए हम अभी दुकान जा रहे हैं, परी को चिप्स लेकर आएंगे। ये देखिए हमारे गांव का नजारा है। फाइनली मैं दुकान पहुंच गई और परी के लिए मैं यहाँ से कुरकुरे और चिप्स लूंगी। परी के लिए चिप्स और बिस्किट और कुछ सामान लेना था, लेकर घर जा रही हूँ। देखिए परी चिप्स ले रही है, और ये कौन खाएगा? बिस्किट भी ले रही है। थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू। थैंक यू। परी ने तो चिप्स खा लिया, अब हम भी अपने दांतों को चमकाकर कुछ खा लेते हैं। ब्रश करने के बाद थोड़ा खोबरा भी चमका लेते हैं। खोबरा चमकाने के बाद अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद मैंने पापा जी को खाना दिया। आप लोग देख सकते हैं दाल चावल चोखा भुजिया रोटी पराठा बना है। पापा हमारे खाना खाएंगे। सबको खाना खिलाने के बाद फाइनली अब मेरी बारी है। जिसको भी खाना खाना है आप लोग आके खा सकते हैं। आइए जिसको जिसको खाना खाना है खा लीजिए। लोग बहुत ही अच्छा बना हो रहा है। देख सकते हैं मैं और मेरी मम्मी, हम सब लोग खेत से जा रहे हैं। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है। फाइनली आप सब लोग देख सकते हैं कि हम अपने खेत पे आ गए हैं। यहाँ हमारा पोखरा है, यहाँ पे हम लोग प्याज में से घास निकालेंगे और इसकी कुड़ाई करेंगे। यहाँ पे मम्मी पापा जी हैं। फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम लोग इतना कोड़ दिए हैं। अब इतना हम लोग शाम में आएंगे तो कोड़ेंगे। धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम लोग घर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अब हम प्याज कोड़ के अपने घर जा रहे हैं घर से। फाइनली मैं अपने घर आ गई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरी बुधिया खड़ी है, मेरी प्यारी सी क्यूटी सी। ये मेरी बुधिया है, हाय बोलो हाय। फाइनली खेत से आने के बाद अब हम नहाने जा रहे हैं। फाइनली हम लोग नहा लिए। नहाने के बाद मैं और परी जा रहे हैं अब कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं। देखिए परी हम लोग के लिए लेके आ रही है फ्रूट्स। क्या है परी? ये देखिए, आ जाओ हम लोग खाते हैं बैठ के। परी लेके आ रही है मेरे लिए अमरूद और संतरा खाने के लिए। अमरूद खाती है, अनार खाती है। अनार इसमें कहा हो, तो संतरा है ना? संतरा हाँ, इसमें दिखा दो, बोलो लो खा लो लोग, आप लोग भी ऐसे खिला दो सबको। हाँ बोलो खा लीजिए आप लोग भी। हम खा ले ली। ओहो, अब मैं और परी अब ना हम लोग खा रहे हैं फ्रूट्स। यम्मी यहाँ परी। मेरा छोटू सा मनुष्य है, इधर आ जाओ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, परी अपने दोस्तों लोग के साथ डांस कर रही है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई करने जा रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट दिन मेरा एग्जाम है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बोर्ड एग्जाम चल रहा है मेरा। हर चीज़ के साथ साथ पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। पढ़ाई करने के बाद मम्मी को पकौड़े खाने का मन कर गया, तो हम गए खेत से धनिया और पालक लेकर आए। अब इससे हम गर्मा गर्म पकौड़े बनाने में हमारी भाभी भी थोड़ा हमारी हेल्प कर रही हैं। ये देखिए आलू कटिंग कर रही हैं। फिर मैंने भी जल्दी से प्याज काटा। भाई अब ये प्याज तो बहुत लगती है यार, ये तो रुला ही देती है।
आप लोग ये देख सकते हैं पूरा कटिंग हो चुका है, पकौड़ी बनने के लिए रेडी है। सब कुछ मिक्स हो चुका है, बेसन नमक हल्दी सब, यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग तेल में पकौड़ी को डाल लेंगे और गर्मा गर्म पकौड़ी बनाएंगे। फाइनली हमारी पकौड़ी बन के रेडी है, देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी दिख रही है। और ये देखिए पकौड़ी के साथ में चटनी ना हो तो पकौड़ी का मज़ा ही नहीं आता है खाने में, हरी हरी चटनी के साथ में गर्मा गर्म। और मैंने सबके लिए पकौड़ी परोस लिया है और लेके जा रही हूँ नीचे। पापा जी, मम्मी जी, हमारे मामा जी भी आए हुए हैं, उन लोग के लिए मैं गर्मा गर्म पकौड़ी लेके जा रही हूँ। और पकौड़ी देने के बाद देखिए मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, गर्मा गर्म चाय। फाइनली मेरा चाय बन के रेडी है, अब मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर जा रही हूँ। पकौड़ी खाने के बाद चाय मिल जाए तो पकौड़ी का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर उसके बाद मैंने पकौड़ी खाया, और आइए जिसको भी पकौड़ी खाना है आप सब लोग आके खाइए। और मेरे छोटे भाई ने भी मेरे साथ में बैठ के पकौड़ी खाया, हम दोनों लोग बैठ के पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं बहुत मज़े से। कहते हैं कि बेनिफिट पढ़ाई का, क्योंकि मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है कल, इसके लिए वो जोरों शोर से जो पढ़ाई चल रही है। फिर उसके बाद परी ने रोटी बनाया गोल गोल, उसके बाद मैंने गर्मा गर्म खाना खाया, अंडा चावल रोटी। सो गाइस फाइनली हम खाना वाना खा लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सोने। आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलिए। और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।